किसी की जो बरकत है कि उससे पैसा बाहर निकलता है, खासकर कछुए में भी। कछुए में भी लोग कहते हैं कि किसी ऑस्पिशियस डे पे अगर उसका हम पूजा पाठ करें और उस तरह से कुछ किया जाए तो उससे पैसे की बरकत होती है। बेचने के लिए जाहिर सी बात है, अब जैसे तेंदुआ का खाल है या इस तरह की खाल है तो वो इंडिया में तो उससे खरीदार नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है, ये विदेशों तक जा रही बात है। तेंदुए का छाल मिला था, कुछ कछुए के भी हमें सेल मिले थे वहाँ पे, भालू के पंजे मिले थे। किसी भी जानवर के छाल को चादर बोलते हैं, जैसे बाघ के छाल को चादर है या तेंदुआ के छाल को चादर है। और एक भ्रांति वहाँ पे है कि इसके रहने से या इस पर कुछ तंत्र विद्या वगैरह करने से पैसे की बरकत होती है। क्या ऐसा कुछ गैंग भी है जो इनकी तस्करी कर रहा है? छत्तीसगढ़ में वन्य सुरक्षा अधिनियम सख्ती से लागू किया जाता है, बावजूद इसके जो आउटर इलाके हैं और जो जंगल के जो आउटर इलाके हैं वहाँ से जानवरों की तस्करी के मामले लगातार सुनने को और देखने को मिलते रहते हैं। और जो दुर्लभ किस्म के जानवर हैं उनका शिकार किया जाता है। एक ऐसे एक मॉड्यूल, एक ऐसे ही गैंग जो वन विभाग है और उनकी संयुक्त तो प्रशासनिक टीम है, उन्होंने कुछ समय पहले उनको धर दबोचा है और उसके पास से कुछ वन्य जीवों की खालें और बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। उस घटना के बारे में, उस रेट के बारे में पूरी बात करने के लिए मेरे साथ में शशि कुमार साहब हैं जो DFO हैं दुर्ग में। सर ये बताएंगे कि ये किस तरह का नेटवर्क था, क्या हुआ था? हमें एक टिप मिली थी और टिप के आधार पर हम दुर्ग वन मंडल का जो उड़न दस्ता का टीम है और दुर्ग वृत्त के जो उड़न दस्ता की टीम है, उन टीम द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई थी, जिसमें कि खैरागढ़ के थोड़ा ही आगे तेंदुए का छाल मिला था, कुछ कछुए के भी हमें सेल मिले थे वहाँ पे, भालू के पंजे मिले थे और इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के पार्ट्स वहाँ पे मिले थे। तो उनको हमने वहाँ पे सीज किया है और इसमें जो एक मीडिएटर था वो भी इसमें पकड़ा गया है और जो इस मीडिएटर के थ्रू उस सामान को खरीद कर नागपुर बेचने वाला था उसे भी हम लोगों ने पकड़ा है। तो पूरा ये चेन वो हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। तो इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और फिर इनको ITR टीम के साथ ये संयुक्त काम किया गया था, फिर उनको वहाँ पे भेज दिया गया। चर्चा से पहले आप बता रहे थे कि 38 लोग को लगभग इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस तरह के नेटवर्क या मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। तो ये किस तरह का चैनल सर, और ये कहाँ से शिकार को कैसे करते हैं, उसको फिर आगे कैसे बढ़ाते हैं, फिर बेचने के लिए? जाहिर सी बात है, अब जैसे तेंदुआ का खाल है या इस तरह की खाल है तो वो इंडिया में तो उसके खरीदार नहीं होंगे, ये जाहिर सी बात है, ये विदेशों तक जा रही होगी बातें। जो टोटल इसमें गिरफ्तारी है जो कि दुर्ग में, खैरागढ़ में ITR की टीम ने अलग अलग जगह पर, USTR की टीम ने अलग अलग जगह पर करी है, उसमें 38 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। यहाँ पे जब इस प्रकरण को हम लोग देख रहे थे तो एक चीज़ हम लोगों को पता चला कि जनरली वहाँ पे जैसे जो कुछ लोग होते हैं जिनको ये डॉक्टर बोलते हैं, हर के फ़ोन में वो कोड नेम डॉक्टर करके सेव किया गया था। अच्छा। तो उसमें क्या है कि ये किसी भी जानवर के छाल को चादर बोलते हैं, जैसे बाघ के छाल को चादर है या तेंदुआ के छाल को चादर है। और एक भ्रांति वहाँ पर है कि इसके रहने से या इस पर कुछ तंत्र विद्या वगैरह करने से पैसे की बरकत होती है, पैसे की बारिश। हाँ, पैसे की बारिश होती है। हाँ। तो ये एक जो है सभी के फ़ोन में, मतलब हम लोगों ने ये चीज़ देखा और सभी से बातचीत के दौरान ये चीज़ पता चला कि ऐसा कुछ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है या जो बातचीत से वहाँ पता चला कि बाहर भेजना तो एक इसका रूप भी है कि बाहर बेचा जाए, लेकिन ये पैसे की जो बरकत है कि उससे पैसा बाहर निकलता है, ये भ्रांति काफ़ी है, खासकर कछुए में भी। कछुए में भी लोग कहते हैं कि किसी ऑस्पिशियस डे पे अगर उसका हम पूजा पाठ करें और उस तरह से कुछ किया जाए तो उससे पैसे की बरकत होती है, इस तरह की भ्रांतियां लोगों में। ये जो पकड़ाए थे ये पूरा एक तांत्रिक मॉड्यूल था, कहने का मतलब है तंत्र मंत्र और इस तरह की चीज़ों में लिप्त जो लोग हैं वो इस वजह से इन लोगों को, इनको जो जानवर है उनको मार रहे हैं, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो इसमें जो तंत्र विद्या वगैरह से जो लीन जो व्यक्ति हैं उन्होंने किसी व्यक्ति से कांटेक्ट किया कि आपके पास छाल है क्या, तो फिर उसने संबंधित आगे वाले से पूछा, तो इस तरह से हम लोग ट्रेस करते करते उस छाल तक पहुंच गए। ये डॉक्टर जो आप बता रहे हैं, ये डॉक्टर की क्या भूमिका रहती है? जैसे उसको तो चादर बोल देते हैं और डॉक्टर का क्या कोड वर्ड का, उसको कैसे उसको डिकोड किए? सभी के फ़ोन में वो DR करके एक नंबर सेव रहता था, या उसको गुरु भी बोलते थे, गुरु या डॉक्टर करके। तो ये तांत्रिक रहता था क्या? ये तांत्रिक कहना थोड़ा सा, ये वैसे लोग हैं जो वो पैसे की बरकत करवाने का जो भ्रांति फैलाते हैं वो ये वैसे लोग हैं। अच्छा। तो एक तरह से आप तांत्रिक भी कह सकते हैं। अच्छा।
ये सर इस तरह से अगर घटनाएं होंगी सर तो अवेयरनेस की तो कमी है और इस तरह से पूजा पाठ नहीं होता। अभी हमने एक हाल ही में खबर बनाई थी जिसमें एक लुटेरेन है और ऐसे ही कुछ कहकर 1,10,000 रुपये उससे नोटों की बारिश होगी और ये वो गड़ा दर निकालेंगे ये सब करके लूट लिया था उसे। तो इस तरह से जब घटनाएं हो रही हैं सर और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तो उसके लिए प्रॉपर क्या हो सकता है सर, आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं? ये इससे बताने से पहले मैं और ये बता दे रहा हूँ कि आप देख जानते होंगे कि दिवाली के समय, पिछले दिवाली के समय दुर्ग में ही हम लोगों ने 7 लोगों को पकड़ा था कछुए के साथ और जब उनसे भी हमने पूछताछ की तो पता चला कि वो भी इसी लिए है कि उसका पूजा करेंगे तो कुछ होगा। तो इस तरह से फिर उन लोगों को हम लोग जेल दाखिल वगैरह करवाए थे। तो ये चीज़ भ्रांति है, इसके लिए जैसे हमारी जो सोशल मीडिया पेज वगैरह है उस पर हम काफ़ी प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं, लेकिन ये एक सोसाइटल चीज़ है, इसको चेंज करने के लिए काफ़ी तरीके से अवेयर करना पड़ेगा कि सब भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक सोशल मीडिया टीम से कैंपेन वगैरह चला रहे हैं या जहाँ पर भी जैसे अभी जो पक्षी महोत्सव वगैरह करवाएं तो इस तरह के हम बैनर वगैरह लगा रहे हैं कि बच्चों को जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं या 11-12 में पढ़ रहे हैं उनको ज्ञात हो जाए कि ये चीज़ गलत है। बच्चों को समझाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है तो इस तरह से भी हम फोकस तरीके से बात कर रहे हैं कि ना उस चादर से कुछ बरकत होनी है ना इस तरह कुछ होना है। और दूसरा, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं वाइल्ड लाइफ के जिनसे लोगों को लगता है कि एफ्रोडिजियाक प्रॉपर्टी है उनकी, है ना, तो वो भी बहुत मिथ है जिसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। सर मैंने गरियाबंद में भी रिपोर्टिंग की है और जो उलंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी मैंने बहुत समय तक रहते हुए रिपोर्टिंग की है वहाँ पर। तो वहाँ जो पेंगोलिन मगर है और तेंदुए के बच्चे और इस तरह से खालों की जो एक बहुत मेगा स्केल पे वहाँ से भी तस्करी के मामले बहुत बार गरियाबंद पुलिस ने पकड़ा था वहाँ पर और बहुत सारे मामले तो हमको आसपास ही लोग चर्चा करते हुए मिल जाते थे। तो क्या सर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, जैसे कि आज जंगलों से शेर नदारद होते जा रहे हैं, शेर नहीं मिल रहे हैं अब जंगलों में, टाइगर रिजर्व तक में भी शेर दिखते नहीं हैं और जैसे वन्य जीव जो दुर्लभ किस्म के हैं जैसे तेंदुआ है और चीता है, चीता तो खैर नहीं है, तेंदुआ और भी जैसे दुर्लभ किस्म की जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए सर ये तो खैर एक तांत्रिक मॉड्यूल है, एक क्या ऐसा कुछ गैंग भी है जो इनकी तस्करी कर रहा है? ऐसा करना कि कोई गैंग है ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हमारे प्रकरण में जो जिस प्रकरण को हम लोगों ने डील किया उसमें तो ऐसा हमें ज्ञात नहीं हुआ, इसमें लोकलाइज्ड तरीके से ही लोग काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके स्केड्यूल 1 में पार्ट 2 में जो भी एनिमल्स आते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, है ना, मतलब वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉज जो हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। तो इस तरह से भी चीज़ों का रोकथाम किया जा सकता है कि मतलब इस तरह की वाइल्ड लाइफ क्राइम ना हो। इसको चैनलाइज करने के लिए, इस गैंग को पकड़ने के लिए जो चैनल के थ्रू आप गए थे और वहाँ पर आप लोगों ने कितना दिन स्टे किया, रुके होंगे और ट्रैकी किया होगा, तो वो थोड़ा जो सेगमेंट है वो थोड़ा बता देंगे कैसे ये लोग पकड़े गए थे? एक हफ्ते से, मैं कम से कम कहूँ एक हफ्ते से टीम लगी हुई थी, है ना, इसमें ITR की टीम भी आई हुई थी, हम लोग क्रॉस बॉर्डर जाकर भी कुछ लोगों से बातचीत किए थे, है ना, दुर्ग की जो पुलिस की टीम है खासकर वैभव बैंकर जो यहाँ पे थे उनका काफ़ी सहयोग रहा इसमें, लक्ष्मण तिवारी जो IS प्रोबेशनर हैं वो भी हमारे साथ थे, उनका भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा था। तो इस तरह से टीम रेकी की थी पूरे जगह को और एक एक करके हम चीज़ों को पता चलते गया और उसको ट्रेस करते करते हम आगे की कड़ी को जोड़ पाएँ और इस कड़ी को जोड़ते जोड़ते हम उस व्यक्ति तक पहुँच पाएँ जिन्होंने तेंदुए के छाल को अपने पास रखा था। ये शशि कुमार साहब थे और साफ तौर पर ये स्टोरी और ये बातें आप तक पहुंचाने के पीछे देखिए क्या छन करा रहा है। हम तो ये सोचकर जब बातचीत शुरू हुई थी तो हमने ये सोचा था कि जो जानवरों के खाल है या जो दुर्लभ किस्म के जानवर है उनके एक तस्करी का भी मॉड्यूल चलता है, लेकिन देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई कि किसी व्यक्ति या तांत्रिक द्वारा गड़े धन को निकालने के लिए कई लोगों को लूटा गया और बारिश होती है कहा गया कि नोटों की बारिश हम करवाते हैं करके वैसा कहकर लूटा गया। तब आप सोचिए कि इन जानवरों की तस्करी वो लोग इस तरह से तंत्र विद्या के जरिए नोटों की बारिश करा देंगे कहते हैं और गड़ा धन भी निकालेंगे, तो ये तंत्र विद्या के जरिए भी इस तरह का इस्तेमाल जानवरों को मारने में किया जा रहा है, एक नेटवर्क इस तरह का बस्ट हुआ है
और आगे इस तरह की जो अपडेट रहेंगी इसमें, जो वन्य जीवों को शिकार करना एक बहुत बड़ा अपराध बनता है, इसमें आप लोग सावधान रहें। और इसमें ऐसा है कि अगर आपने शिकार करते आपको पाया जाता है तो बहुत लंबी सज़ा हो सकती है, इन बातों का ध्यान रखें। और जो थोड़ा अज्ञानता है उससे थोड़ा दूर रहें, नोटों की बारिश नहीं होती किसी भी वन्य जीव की, उसको मारने से या उसकी तंत्र विद्या से, किसी भी तंत्र विद्या से नोटों की बारिश या गड़ा धन नहीं मिलता, इन बातों को ध्यान रखें। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।